हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो आज हमारे पास ये एक कुछ इमेज है और इससे हम बनाने वाले हैं इस इमेज को। तो सबसे पहले देखिए, हमारे इस इमेज में से हमें इस कटे हुए को पहले यहाँ से हटाना है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपल सा, देखिए बैकग्राउंड वाइट है तो हम सिंपल सा बैकग्राउंड को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो वाइट फिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हमें इस वाले फल को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए, आप इसका एक सिलेक्शन बना लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले ही सिलेक्शन बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको सिंपल से कॉपी करके यहाँ से ले जाऊँगा। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे हम, इतना सही है, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर उठा देंगे। तो देखिए, इस वाले पर नीचे शेडो है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, लेकिन हमें इस पर भी शेडो बनाना है। अब इसके नीचे एक लेयर लेना है आपको, न्यू लेयर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ले रखा है, तो इस नीचे वाले लेयर पर आए, ऐसे ब्रश टूल ले, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक सॉफ्ट राउंड ब्रश, ऐसे सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे कर देना है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिए, आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे ब्रश को हमें फिर से ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो हम यहाँ तक फिर से कर लिए। और अब देखिए, इसके नीचे हमें शेडो लाना है। तो हम यहाँ से ब्रश लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के इसे सॉफ्ट राउंड ब्रश को लेंगे और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे। सही, आप देख लीजिए आपको कितना चाहिए, इतना सही है। और यहाँ पर ओपेसिटी को कम करना है। तब देखिए, ओपेसिटी कम करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। आप प्रीव्यू पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए कितना हो रहा है आपके पास। तो इतना आई थिंक कितना सही है। अब देखिए, इस वाले लेयर पर आपको नहीं करना है, आपको नीचे एक लेयर लेना है और इस वाले लेयर पर आके आपको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ टाइम क्लिक कर देंगे। अब ये हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेम कलर का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेडिश टोन आ रहा है, तो हमें यहाँ पे रेड भी बनाना है। तो हम यहाँ से एक रेड कलर ले लेंगे ऐसे, और इस वाले लेयर पर रहते हुए शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके। तो अब देखिए, रेड हो गया है। तो अब इसको फील और ओपेसिटी को चेंज करके देख सकते हैं। और अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक हमें ऐड करना है। तो हम फिर से ब्रश को लेंगे और यहाँ पे इस बार ओपेसिटी 100% फ्लो 100% कर देंगे और ब्रश को और ज़्यादा छोटा करके इसके नीचे रहते ऐसे, सॉरी, इस बार हम यहाँ पर ब्लैक लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इतना सही है। आप चाहे तो इस वाले लेयर को हटा भी सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ तक सही है। अब देखिए, अब दूसरा काम हमें ये करना है कि ये अंदर का जो चीज़ है इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या ऊपर वाले लेयर पर आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ पे किस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें इस वाले लेयर पर रहते हुए यहाँ पे हमें मास्क ऐड करना है। तो ये देखिए, अब मास्क ऐड करने से क्या हुआ, हमारा ये हिस्सा रह गया है और बाकी के हिस्से गायब हो गया। तो हमें बाकी के हिस्से को वापस लेने के लिए यहाँ पे इस वाले मास्क पर रहते हुए कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। देखिए, इस वाले लेयर पर यहाँ पे एक पतली सी लाइन रह गया है, तो हमें इस मास्क पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश लेके, ब्रश आप कोई भी ले सकते, तो यहाँ से ब्रश लेके आपको ब्लैक फिल करना है। ऐसे आपको ब्लैक फिल कर देना है।
और अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और इमेज है, ये वाटर पीएनजी का। तो हम इस वाटर वाले इमेज को इस पर लाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको थोड़ा सा लंबा भी कर लेंगे ताकि हमारा पूरा एरिया जो कवर हो जाए, और यहाँ पे इस वाले एरिया पे आके छोड़ देंगे। तो इसको हम फिर से कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस तरफ। तो हम इस वाले साइड को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक फिर से करेंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट, और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेना है हमें। इतना सही है, और इसको अब ओके पे क्लिक करना है। तो अब देखिए हमारा ये पूरा एरिया पे हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले लेयर पर यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर इस वाले लेयर पर रहते हुए हम यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर देंगे, सॉरी ऑल्ट के साथ यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा काम। तो देखिए इतना होने के बाद हमारा जो है इस जगह पर आके हमें यहाँ पे ये पीछे वाला ऑरेंज हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर, और इसके इस मास्क पर जाके हम यहाँ पे ब्रश लेंगे, और ब्रश पे हमें लेना है ब्लैक। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश लेना है और यहाँ पे ओपेसिटी को कम करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ओपेसिटी हो गई है, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और ओपेसिटी को और कम करना है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखने लगे इतना आपको लाना है। तो अब ठीक है, और अब यहाँ पे इस गोल्ड फिश को सिलेक्ट करना है, अब कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ और कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, और इसको पकड़ के यहाँ पे लाना है, कंट्रोल टी थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। और अब इसको यहाँ पे ब्लेन मोड को चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हो गया हमारा काम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।